मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने फूड जासूस पे लेके आई हूँ मेरी नेक्स्ट रेसिपी, जिसका नाम है बाजरा मिक्स। अगर आप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरा बच्चा 6 महीने का हो गया है, आप उसे होममेड फूड देना चाहिए और आप कोई बाहर का प्रीमिक्स नहीं देना चाहते, घर पे ही प्रीमिक्स बनाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट रेसिपी है। आप प्लीज इस रेसिपी को अंत तक देखिए और ये अगर आप ट्राई करते हैं और अपने बच्चे को खिलाते हैं तो आपके बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बेस्ट होगा। मैं मार्केट से ऑलरेडी बाजरे का पाउडर जो मिलता है, यानी बाजरे का आटा जो मिलता है, वो ले आई हूँ और रोस्टेड है ये ऑलरेडी, आप देख सकते हैं थोड़ा डार्कर कलर है। साथ ही साथ जो पीनट्स है, रोस्टेड पीनट्स है, रोस्टेड चना है, आप पीनट और चने की जगह आप अपने पसंद का कोई भी नट्स या फिर दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक और इंग्रेडिएंट ऐड किया है, वो तिल है। आप तिल की जगह कोई भी ऑयल सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड हो गया या फिर आप पम्पकिन सीड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं इन सबको आटे के साथ मिक्स करूँगी और उसको वापस से ग्राइंड करूँगी, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इन तीनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करके ग्राइंड करती हूँ तो एक पेस्ट फॉर्म बन सकता है, क्योंकि इन दोनों में ही फैट्स होते हैं। ये देखिए मैंने ये मिक्स रेडी कर लिया है और बहुत यूनिफॉर्मली आपको ग्राइंड करना है इसको, कि इसमें कोई लम्ब्स ना रहे ताकि बच्चे के गले में ना अटके। अब ये बनकर के तैयार हो चुका है, आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। एयर टाइट कंटेनर में रखने की वजह से इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाती है। अपने बच्चे के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इस सर्विंग्स को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी देंगे, पानी ऑलरेडी मेरा उबाला हुआ है 5 मिनट के लिए साफ पानी, और हम इसे अच्छी तरह से पहले पेस्ट बनाएँ। कोशिश करना है कि इसमें कोई लम्ब्स ना रहे, फिर अपने बच्चे के अकॉर्डिंग कि आपका बच्चे को कोई दिक्कत ना हो निकलने में। तो मैंने जो यहाँ रेसिपी यूज़ की है वो बाजरे की है। अगर आप चाहें तो आप बाजरे की जगह ज्वार इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज्वार को भी इस्तेमाल करने का सेम प्रोसेस होगा। आप ज्वार का आटा खरीद लीजिए और उसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए और सेम रेसिपी आप ज्वार के साथ भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक सैंपल रखा हुआ है कि ज्वार रोस्टेड कितना करना है वो आपको पता चल जाएगा। तो आप इसको ऐसे रोस्ट करना है कि वो हल्का ब्राउन सा हो जाए, क्योंकि जो बाजरा है वो थोड़ा गाढ़े रंग का होता है, अगर आप रोस्ट करते हैं तो वो थोड़ा गाढ़ा होता है, लेकिन अगर आप ज्वार रोस्ट करते हैं तो वो ऐसा होता है। जो क्वांटिटी है दोनों की अगर आपको लेनी है तो ऑलमोस्ट 50 ग्राम का क्वांटिटी मैंने लिया था इससे पहले, और बाकी जो सारे इंग्रेडिएंट्स थे जैसे ऑयल सीड्स हो गए वो 10 ग्राम लिया था, पीनट्स 20 ग्राम लिया था, और जो चना है वो 30 ग्राम का लिया था। तो आप इन सब चीज़ों को इसी प्रोपोर्शन में मिला सकते हैं और अपने पसंद का सीरियल भी चेंज करके बच्चे को दे सकते हैं। इसको बनाने की विधि तो आसान है ही, लेकिन मिक्स करके खिलाने की विधि भी बहुत ही आसान है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो प्री कुक्ड है, यानी कि पाउडर्ड फॉर्म में है और रोस्टेड भी है। अगर आपका बच्चा 9 महीने से ज़्यादा बड़ा है तो आप इसे मिल्क में मिक्स करके दे सकते हैं, आप फ्रूट जूसेज या फिर वेजिटेबल जूसेज इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ या घी भी इसमें मिला सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने से आप इस प्रोडक्ट को एनर्जी डेंस बना रहे हैं, न्यूट्रिएंट डेंस बना रहे हैं, जो बच्चे के सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। अगर आपने मेरे और भी रेसिपीज देखी हैं तो उसमें मैंने नट्स इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप और भी नट्स और ड्राई फ्रूट्स ऐड करें आप वो डेफिनेटली कर सकते हैं। ध्यान बस ये रखना है कि वो बड़े बड़े टुकड़ों के फॉर्म में नहीं हो, वो भी पाउडर्ड फॉर्म में हो। सर्विंग साइज जो रहेगी 6 से 8 महीने के बच्चे के लिए वो है 1 से 2 चम्मच, दिन भर में 2 बार आप दे सकते हैं, और अगर आप बड़े बच्चों को दे रहे हैं 9 से 12 महीने के बच्चे को दे रहे हैं तो आप इसको 3 से 4 चम्मच कर सकते हैं। और जैसे अगर 12 महीने से बच्चे अगर बड़े हो गए हैं तो आप उसे घर का बना हुआ खाना दे सकते हैं, आपको ऐसे मिक्स अगर आपको देना है आप वो भी आप उसको दे सकते हैं। कोई भी खाना बच्चे के लिए बनाए हाइजीन का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, आप अपने हाथों को अच्छे से धोएं, जो भी बर्तन इस्तेमाल करें वो स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए। बॉटल की जगह अगर आप प्लेट चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं, बाउल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बच्चे के लिए ज़्यादा हाइजीनिक होता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास ऐसी ही कोई इनोवेटिव रेसिपी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग रेसिपीज आने वाली हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।